आप देख रहे हैं अपना समाचार। कुछ बढ़िया निकालिए, जो हेडलाइन बनाए आप। लेकिन हाँ, मैं तो रेडी हूँ। रंजन जी प्रणाम, कैसे हैं? मैं हूँ। प्रणाम। हम तो बहुत ही बढ़िया बानी रहे। वो आपन सुनाई आरा बाजार में क्या घुमा कर रहे हैं? हाँ, हम घूम रहे बानी। कहे कि हमरा के शॉपिंग करे के बा, हमरा के बहुत सारा चीजें लेवे के बा, कपड़ा लेवे के बा, बर्तन लेवे के बा, ज्वेलरी लेवे के बा, फिर जूता चप्पल लेवे के बा, आखिरी में पानी पूरी भी खाए के बा। देखी वो कहा ना कि जो मंगरुआ के जीजा जी है ना, जो हमारे पति हैं, वो तो कुछ खर्चा हमरा ऊपर नहीं के करते हैं। तो हमरा के बुझाता कि राजा जी हमरा के जरूर लेकर जाई, हमरा के जरूर शॉपिंग कराई, हमरा के जरूर पानी पूरी खिलाई। इतना महंगाई के दौर में बचत करी? बचत तो करे के पड़ी, लेकिन जब इतना इतना नियमन मेरा रू होकेला ना, तो पति लोगन के सोचे के ना चाहिए। वो लोग बात बाकी हमारे पति कुछ हमारे बारे में नहीं के सोचते हैं, लेकिन राजा जी हमारे बारे में सोची। अच्छा, आपका राजा जी क्या मुँह दिखाई दे रहे? का मुँह दिखाई में? का दल रहे मुँह दिखाई में? अरे वो तो कम एक दिन ना उनका खातिर तो हर सुबह माने कि हम मुँह दिखाई ही होकेला। जब जब हम सामने आवेली तो उनका खातिर साजी दे रखना, उनका खातिर वो मुँह दिखाई ही होकेला। वो माने कभी हमरा खातिर कौन टाइप का हलवा लेके आवेली, कभी हमरा खातिर वो फूल लेके आवेली, तो माने तरह तरह की चीज़ वो हमरा के गिफ्ट करेली। आपके यूट्यूब बिहार में बहुत सारे दर्शक जो इस शो को देखते हैं। जी, हम दर्शक को बताना चाहते हैं कि शो की शूटिंग कहाँ होती है और कैसे होती है। जी, इस सीरियल की शूटिंग जो होती है वो होती है, लोकेशन में नहीं बताऊंगी क्योंकि फैंस आजकल पहुंच जाते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मुंबई में ही शूटिंग होती है। और अच्छा सा स्टूडियो है वहाँ पे, हमारा ये सेट लगा हुआ है, वहीं पे हम लोग शूट करते हैं। और हम लोगों ने बीबीगंज आरा के मोहल्ले को दिखाने की कोशिश की है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे एक स्टेज बनाया है जहाँ पे कभी जब जैसे बीच में संभावना सेठ जी आई थी, या हमारे वहाँ अलग अलग सेलिब्रिटी आते हैं, अभी बीच में बताशा चाचा जी आए थे, और भी सेलिब्रिटीज हीरोइंस को बुलाने की तैयारी चल रही है। तो वो लोग जब जब आते हैं तो एक ना एक परफॉर्मेंस होता है, तो वो वहीं उस स्टेज में करते हैं। और ये सब है, कम घर बने हुए हैं, मेरा घर उधर पे है, वहाँ सामने वालों पड़ोसी का घर सामने है। अरे बहुत बार, बहुत बेर हम वहाँ गए बानी, और हमरा के तो बहुत ही पसंद बा यूपी बिहार। मतलब मैं भले ही मैं भोजपुरी भाषी नहीं हूँ, लेकिन भोजपुरी से, भोजपुरी के लोगों से, या इन शहरों से मुझे इतना प्यार है, इतना अपनापन है। मैंने बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग की है उन जगहों में, और वहाँ के लोग मुझे बहुत पसंद है। वहाँ के लोग इतने प्यारे होते हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। तो मेरे को तो जब जब आरा या किसी भी यूपी बिहार में की कोई भी जगह जाने का मौका मिलता है, मैं खुद को बहुत ही खुश महसूस करती हूँ। आरा के बीबीगंज जो भौजी बड़ी तुम्हारा वीडियो देखा था, ए भौजी कहा ना कि रउआ के हमारे साथ देखे के, साथ देवे के चाही, हमारे सीरियल के टीआरपी ना गिरी, ओकरा खातिर रउआ के हर शाम मंडे टू फ्राइडे हमारे सीरियल बगल वाली जान मारे लिए देखे के चाही। और एक और बात, आप पति पर नजर बना के रखी, काहे कि बगल वाली जान मारे ली। राजा जी हमरा के बुझाता कि उनका वो हो सकेला, हम तो उनका इंतजार करते रह गई नहीं, हम बीच मार्केट में अकेले खड़े बानी। के जो पड़ोसी बाड़ी पति ऐसे ही अकेले रहा, शॉपिंग करा खाती और दूसरा के लिए बात करा, तो राजा जी भी कहीं हमरा के छोड़ के तो ना भाग गए। वो हो सकेला, लेकिन हमरा के लागत है कि वो आ जाए, जैसे उनका सीन हमरा के बुझाता कि वो कौनो सीन में हुई, सीन जैसे हो जाए तो ओकरा बाद वो जरूर आई हमरा के शॉपिंग पर लेके जाई। जब देख के बंटिया के माई भी तोरे जैसन कर लिया अपने पति के साथे का का कर ली वो जो जी कर दड़ वो भी मार्केट में जाए। अयो दादा, ऐसे ना कहे के चाहिए ना, ये तो बहुत ही गलत बात बा। लेकिन हाँ, हम बहुत खुश बानी काहे कि ये सीरियल करे के बाद से हमरा के दर्शक लोगन के बहुत सारा प्यार मिल रहे बा, बहुत खुशी होकता। बहुत हम मेहनत कर रहे बानी, माने सुबह यहाँ सेट पर 7 बजे पहुँच जानी, और ओकर बाद रात के 9 बजे तक, 9 कई बार अभी तो हमारा सिस्टम अच्छा हो गया है कि 9 बजे तक पैकअप हो जाता है, अदरवाइज़ पहले तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं, मेरे लिए ये आसान नहीं था। फिल्म हम जब करते हैं बड़ा ही आसान होता है, बहुत ईजिली काम करते हैं, लेकिन सीरियल करना आपके पास समय ही नहीं बचता है। जिसको भी है, एक दिन रानी जी, रानी चटर्जी जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो वो सेट पे ये बोलते हुए आई, मतलब कैमरा
कैमरा ऑन करते हुए मेरी दोस्तों, मैं आज अपने लापता दोस्त के सेट पे जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं था कैमरा ऑन है, पीछे से आई। तो मतलब जिसको भी मुझसे मिलना हो रहा है सेट पे ही आना पड़ रहा है क्योंकि समय ही नहीं है अलग से। बिल्कुल